We started our journey in 2014 और अभी हम लोग प्लास्टिक पेपर एंड ई वेस्ट रिसाइकलिंग में काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने ई वेस्ट का प्लांट स्टार्ट किया है। इन फ्यूचर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसाइकलिंग में और जाने वाले हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग है एंड बायोमेडिकल वेस्ट में भी हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। नमस्कार, मेरा नाम अपूर चतुर्वेदी है। आई एम द फाउंडर ऑफ इको ग्रीन रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि मैं अपने बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि मैं HL स्कूल कोरबा से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पुणे बायोलॉजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया हुआ है। उसके बाद दो साल मैंने जॉब की ICICI एंड एक्सेल इन्फोटेक में, और उसके बाद मैंने JRE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से MBA किया है। मेरे फादर रिटायर्ड हैं HL एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, एंड मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मेरी सिस्टर बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करती हैं, एंड मेरी वाइफ है वो लेक्चरर है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मेरी एक छोटी बेटी है जो अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है। इंस्पिरेशन, मैंने जहाँ जॉब किया है तो वहाँ मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर की तरह जॉब किया है। जो भी काम मिलता था उसको मैं आगे बढ़ के काम करना चाहता था, उसको मोटिवेशन के साथ करना चाहता था, जिससे मैं एक अथॉरिटी भी मिलती थी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। तो मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आया कि मैं जॉब छोड़ के एक अपना वेंचर स्टार्ट करें। इस टाइप से हम लोग ने मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी आगे बढ़ूँ, आगे लोगों को जोड़ूँ, और आगे लोगों के साथ जुड़ के आगे एक बड़ा बिजनेस बनाएं, बड़ा काम करें, जिससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से हम लोग कनेक्ट हो पाए। हम लोग ने कॉलेज के अंदर से स्टार्ट किया था। पहले हमारे पास कॉलेज में मैंने बिजनेस प्लान बनाया। बिजनेस प्लान से हम लोग ने अपने कॉलेज प्रेसिडेंट को दिखाया, जिनने कहा आप स्टार्ट करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने पहला अपना वेयर हाउस कॉलेज के अंदर से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर एंड के बाद ही हम लोग ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद हम लोग ने दो एम्प्लॉई रखे थे जिनके साथ हम लोग खुद जाते थे, मटेरियल पिकअप करते थे घरों से, पेपर लेते थे, प्लास्टिक लेते थे, आयरन लेते थे। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ को देखते थे, उसको बेचते थे मटेरियल को। वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारी टीम बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, आज हम लोग के पास 550 मैन पावर है, जिससे हम लोग अपना काम कर रहे हैं और 4 इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। को फाउंडर और हमारे जो शेयर होल्डर हैं हरप्रीत सिंह, उनके साथ हम लोग ने स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे को फाउंडर, हम लोग ने रिसर्च की, साथ में बिजनेस को नर्चर किया और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। हम लोग ने उसका एक गाइडेंस हमें ऑल द टाइम हमें अपने कॉलेज प्रेसिडेंट से मिलती थी, जो कि वो IIM अहमदाबाद से पास आउट है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था इतने साल का, वो हमें बहुत ज़्यादा मिला। उससे हमने अपनी कंपनी की ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो एक गाइड होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप लोग किसी से के साथ भी जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में गाइड होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे सर हरप्रीत सर ने वो बखूबी निभाया। क्लिक ऐसे हुआ कि मैंने एक वेंचर, बगल में कबाड़ी वाला था जहां मैं समर इंटर्नशिप कर रहा था अपने MBA के टाइम पे, तब मैंने एक आइडिया मुझे जनरेट हुआ कि ये क्या करता क्या है। जिज्ञासा हुई कि इसकी सप्लाई चेन कैसे चलती है, क्योंकि मैं कैडबरी में समर इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ पे सप्लाई चेन हम लोग देखते थे कि कैसे कैसे वर्कआउट होती है, वो हमें सिखाते थे। तो मैंने इस इंडस्ट्री की सप्लाई चेन समझने के हिसाब से मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ। तो हम लोग ने फिर एक अपने को फाउंडर से मैंने डिस्कस किया, और उसको आगे बढ़ाने में मैं और मेरे को फाउंडर ने हेल्प आउट किया। मेजर चैलेंजेस हम लोग ने उस समय, छोटे चैलेंजेस थे कि पैसे कम थे, हमें अनऑर्गनाइज वेंडरों से दिक्कत होती थी, अपना माल बेचने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी। लेकिन हाँ, वो दिक्कतें हमें आती गईं टाइम टू टाइम। हर लेवल पे अलग अलग दिक्कतें थी, जो कि हम लोग ने उसको
अच्छे से हेल्प आउट करते गए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और जैसे कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो बहुत सारे लोकल लोग हम लोग को बहुत परेशान करते थे, और हम लोग ने बाहर से आके यहाँ पे स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने परेशान किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया हमें आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ने में, हमारी कठिनाइयों को हटाने में। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती थी हमारे साथ। हम लोग एम्प्लॉय जनरेट, हमारे एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारा ऑपरेशंस देखते हैं, हमारे मैनेजर्स हैं जो पूरे ऑपरेशंस को हेड करते हैं, हर हर वेंचर्स के हर लाइन के लिए अलग अलग ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं, क्लाइंट्स के हेल्प आउट करते हैं, प्लस अनऑर्गेनाइज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को भी हम लोग टारगेट करते हैं, वो जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो चीज़ें हमारी कैसे हेल्प आउट होनी है वो हमारे मैनेजर्स उसको करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे यूज़फुल रिसोर्स के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इस टाइप से हम लोग अपने मैन पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में ये है कि हम एक तो इकनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली हम लोग जितने भी लेबर्स हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं काम करने का, उनको आगे बढ़ाने का, और उनके साथ हम लोग को भी आगे बढ़ने का एक नेशन के लिए। जितना भी हम लोग टीम बड़ी करती जाएंगे तो हमारा नेशन अपने आप बड़ा होता जाएगा, जितना भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करेंगे उतना हमारा नेशन को अच्छा होता जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने 2030 तक ये बोला है कि हमें नेट ज़ीरो होना है, तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी कार्बन फुटप्रिंट्स यूज़ हो रहे हैं तो हम लोग उसको बहुत मिनिमाइज कर रहे हैं अपने लिए, और ये क्रेडिट फैसिलिटी भी आज गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए दी हुई है, जिससे कि नेशन को बहुत हेल्प आउट हो रहा है। करंट टर्नओवर हम लोग का 50 करोड़ रुपीज़ है, और इन फ्यूचर विद इन द 2 or 3 years वी कैन क्रॉस द 100 crore टर्नओवर। राइट नाउ हम लोग स्टार्ट किया अभी ई वेस्ट फैक्ट्री, तो इन फ्यूचर जैसे जैसे रनिंग में आएगी तो हम लोग 100 crore में जाएंगे, 100 crore ग्रुप में जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग कंपनी को IPO के लिए भी देख रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को IPO में भी, शेयर स्टॉक में भी लिस्टेड करा पाए। हम लोग ने 2 employees के साथ स्टार्ट किया था, आज हम 2 entrepreneurs ने 550 लोगों की टीम बनाई हुई है, जो कि आज हमारी एक स्ट्रेंथ है हमें आगे बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ हमें GST इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट से हमें अवार्ड मिला हुआ है, बाकी और भी कंपनीज मैगजीन्स हमें अवार्ड देती रहती हैं, हमारे क्लाइंट्स हमें अवार्ड देते रहते हैं हमारी बेटर सर्विसेज के लिए एंड बेटर हेल्प आउट के लिए। मैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अपनी रिसर्च को हमेशा इतना परफेक्टली करें कि जब आप बिजनेस करने जाएं तो उसके आउटकम्स में 10% ऊपर नीचे हो, लेकिन जो आपने रिसर्च की है उसके बेस पे ही आपका बिजनेस खड़ा हो। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आज लोग पहले हमारे यहाँ कैश में काम करते थे, लेकिन अब बैंक्स आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, आप अपना जितना भी बिलिंग के थ्रू काम करेंगे बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगी इन फ्यूचर। आप इस काम को अगर छोड़ोगे तो आप इकोनॉमी को भी सपोर्ट करोगे, खासकर अपने आप को बहुत सपोर्ट करोगे अपने आप को ग्रो करने में। जैसे कि IID एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अभी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंड आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी एक IID एक प्लेटफॉर्म है। अगर वो हमसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं और किसी भी इंडस्ट्री के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं वो IID से संपर्क करें और हमारे पास आएँ, और कोई भी जानकारी लेनी चाहिए हम लोग अच्छे से उनकी हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ।